चुनाव प्रचार के दौरान उनका यह दर्द खुलकर सामने आया। कहा, जब कांग्रेस में थी तो 62,000 वोटों से जीतती थी, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हार मिली, डबरा में हार के बाद भी बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाया। लेकिन इमरती देवी के इस दर्द का मरहम आखिर क्या रहेगा, ये कुछ अभी जांच का विषय हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहरहाल अभी डबरा में हार के बाद भी बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने का जो जिक्र उन्होंने किया, इससे साफ जाहिर है कि इमरती देवी अभी कुछ परेशान है, कुछ दर्द है उन्हें, कुछ उनकी मंशा जरूर है भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें अभी शायद कुछ और उम्मीदें हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी का भी उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस में थी तो जीत हुई, बीजेपी में आई तो हार। मैं भाई साहब इस वजह से कह रही हूं, मैंने कांग्रेस में थी, मैं 62,000 वोटों से जीतती थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आई हूं और चुनाव लड़ी हूं तो आप ये मान सकते हो कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को 51,000 वोट और जिताए हैं। और हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, मंच से चुनाव प्रचार के दौरान अगर इमरती देवी ये कह रही हैं कि कांग्रेस में तो 62,000 वोटों से जीतती थी, फिर कुछ पॉज लेती हैं, उसके बाद कहती हैं कि बीजेपी को हमने 51,000 वोट और दिलाए, तो ये दर्द है या कोई उनकी फ्यूचर प्लानिंग? बिल्कुल, देखिए इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक है। 2018 में वो यहाँ से जब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी तो महिला बाल विकास मंत्री बनी थी। 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में आने के बाद भी उन्हें उपचुनाव से पहले महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया था, लेकिन उपचुनाव में 2020 में भी वो हार गई थी। उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इमरती देवी नज़दीकी मुकाबले में हार गई। तो इमरती देवी ने कल फिर एक बार लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा की एक बैठक और सभा के दौरान कहा कि वो जब कांग्रेस में थी तो 62,000 वोट से हारती थी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद जो है वो हार गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत और बीजेपी में आने के बाद हार का जो उनका बयान है वो सुर्खियों में और सियासत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, इससे पहले भी 2021 में वो मंच से सार्वजनिक तौर पर कह गई कि वो अगर कांग्रेस से होती तो जीत जाती, पार्टी बदल कर वो बीजेपी में आई इसलिए वो चुनाव हार गई। कल फिर उन्होंने यही बात दोहराई कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ती थी डबरा से तो 62,000 वोट से जीतती थी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद जो है वो चुनाव हार गई। हालांकि ये भी कहा उन्होंने अगले ही पल कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 51,000 से ज़्यादा वोट दिलाए हैं और लोकसभा चुनाव में भी सांसद को इस तरह से ज़्यादा यहाँ से वोट मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इमरती देवी का जो बयान है वो उनकी टीस कही जा सकती है, क्योंकि लगातार दो चुनाव वो भाजपा में आने के बाद हारी है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे इमरती देवी का जो रसूख है, रुतबा है। में चुनाव में हार जीत एक हिस्सा, एक सिक्के के दो पहलू हमेशा कहे जाते हैं, लेकिन इमरती देवी के साथ ये वाकया, ये इत्तफाक दो बार हो चुका है। अब देखना ये होगा कि उनका अगला कदम क्या रहेगा, इस पर डिटेल्स आपसे आगे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।